क्या कहना चाहेंगे? ये पिछले 9 वर्षों से हमारा प्रताप फाउंडेशन दही हंडी का आयोजन पूरे मीरा भाईंदर में, लगभग ये सबसे बड़ी दही हंडी होती है और पूरे मीरा भाईंदर के शहर के लोग यहाँ पे आते हैं और हजारों की तादाद में गोविंदाओं की टोली आती है, सैकड़ों टोली आती है बॉम्बे से और मीरा भाईंदर वसई विराट थाने से टोली आती है और लाखों की तादाद में यहाँ पे हमारे मीरा भाईंदर के रहवासी यहाँ पे जो है गोविंदाओं का उत्साह वर्धन करने आते हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल लगता है। किस तरीके की है और जो गोविंदा घायल होते हैं उनके लिए किस तरीके से सुविधाएं रखी है? बिल्कुल, ईश्वर के आशीर्वाद से अभी तक यहाँ इस परिसर में 9 सालों में कोई भी गोविंदा कभी गिरा नहीं, कभी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे हमारा फाउंडेशन सारे नॉर्म्स को पूरा करती है, सारे परमिशन को लेती है, एम्बुलेंस हमने यहाँ खड़ा किया है, डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे और नीचे हम लोग कारपेट बिछाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे हम अपने कल्चर को पार्टिसिपेट करने के लिए युवाओं को हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सुरक्षा का भी गारंटी हम लोग लेते हैं। तो आज हमारा फाउंडेशन ऐसा कल्चरल कार्यक्रम पूरे मुंबई में हमेशा हम लोग करते रहते हैं और आज के इस प्रोग्राम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि हमारा युवा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं लाखों की हजारों की तादाद में हमारे युवा इस दही हंडी उत्सव में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक बार अगर हम लोग पहल करेंगे तो हमारे जो इंडिया की कल्चर है, हमारी महाराष्ट्र का जो कल्चर है, वो निश्चित तौर पर और आगे बढ़ते जाएंगे।